2021 ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक मूवीज दी है, जिसका जोरदार असर पर्दे पर साल के अंत तक बना रहा। वहीं कुछ मूवीज के स्क्रिप्ट और स्टोरी में उतार चढ़ाव भी दिखे, लेकिन आने वाला साल यानी कि 2022 बहुत शानदार और धमाकेदार मूवीज लेके आने वाला है, जो कि दर्शकों के लिए वाकई सरप्राइजिंग होगा। वहीं बॉक्स ऑफिस के लिहाज से अगला साल बहुत अहम होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं मूवीज के बारे में बताएंगे जो नेक्स्ट ईयर पर्दे पर अपना कमाल दिखाने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप। इस लिस्ट में सबसे पहली मूवी है RRR, जो 7 फरवरी को रिलीज होने वाली है। इसमें लीड रोल में रामचरण जूनियर, NTR, अजय देवगन और आलिया भट्ट नजर आएंगे। वहीं दूसरी मूवी है राधे श्याम, जिसकी रिलीजिंग डेट है 14 फरवरी। वहीं स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें प्रभास और पूजा हेगड़े साथ दिखेंगे। अगली मूवी 21 जनवरी 2022 को रिलीज होगी, जिसका नाम है पृथ्वीराज और इसके स्टार कास्ट में अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, सोनू सूद और संजय दत्त एक साथ नजर आएंगे। अगली मूवी है अटैक, जिसकी रिलीजिंग डेट है 28 जनवरी। वहीं इसमें जॉन अब्राहम, रकुलप्रीत सिंह और जैकलिन फर्नांडिस एक साथ दिखेंगे। अगली मूवी की बात करें तो ये 4 फरवरी को रिलीज होगी, जिसका नाम है बधाई दो और इसके स्टार कास्ट में राजकुमार राव और भूमि पडनेकर एक साथ दिखेंगे। अगली मूवी की बात करें तो गंगूबाई काठियावाड़ी, जो कि 18 फरवरी को रिलीज होगी, इसमें अहम भूमिका में आलिया भट्ट और अजय देवगन एक साथ दिखेंगे। वहीं 25 फरवरी को रिलीज होने वाली मूवी जयेश भाई जोरदार में रणवीर सिंह और शालिनी पांडे एक साथ दिखेंगे। अगली मूवी की बात करें तो बच्चन पांडे, जो कि 4 मार्च को रिलीज होने वाली है, इसमें अक्षय कुमार, कृति सैनन ने एक साथ काम किया है। वहीं 18 मार्च को रणवीर कपूर और वाणी कपूर की मूवी शमशेरा पर्दे पर आ जाएगी। भूलभुलैया 2 की रिलीजिंग डेट 25 मार्च है, जिसके स्टार कास्ट में कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू एक साथ दिखेंगे। अगली मूवी है अनेक, जिसकी रिलीजिंग डेट 31 मार्च है और इसके स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें अहम भूमिका आयुष्मान खुराना निभा रहे हैं। वहीं 4 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली धाकड़ मूवी में कंगना रनौत, अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता साथ दिखेंगे। अगली मूवी है लाल सिंह चड्ढा, जिसकी रिलीजिंग डेट है 14 अप्रैल और इसके स्टार कास्ट में करीना कपूर और आमिर खान अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF 2 की रिलीजिंग डेट 14 अप्रैल है, जिसमें यश अहम किरदार में नजर आएंगे। वहीं साउथ की ही अगली फिल्म सलार, जिसकी रिलीजिंग डेट 14 अप्रैल है, इसमें अहम रोल में प्रभास दिखेंगे। अगली मूवी है हीरोपंती 2, जो 29 अप्रैल को रिलीज होगी, जिसमें टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया एक साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। वहीं अगली मूवी 29 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी, जिसका नाम है रणवीर 34, जिसमें अमिताभ बच्चन और अजय देवगन एक साथ दिखेंगे। वहीं अगली मूवी की बात करें तो मिशन मजनू, जिसकी रिलीजिंग डेट 23 मई है, इसके स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना एक साथ होंगे। अगली मूवी है गोविंद नाम मेरा, जिसमें कि विक्की कौशल और कियारा आडवाणी भूमि पडनेकर एक साथ नजर आएंगे। ये मूवी 10 जून को पर्दे पर आ जाएगी। वहीं आयुष्मान खुराना और रकुलप्रीत सिंह की डॉक्टर जी मूवी 17 जून को पर्दे पर दिखेगी। वहीं जुग जुग जियो की रिलीजिंग डेट 24 जून 2022 है, जिसके स्टार कास्ट में वरुण धवन और कियारा आडवाणी दिखेंगे। अगली फिल्म है एक विलन रिटर्न्स, जिसकी रिलीजिंग डेट 8 जुलाई है। स्टार कास्ट में है अर्जुन कपूर, तारा सुतारिया, जॉन अब्राहम और दिशा पटानी। वहीं फोन भूत की बात करें तो ये रिलीज होगी 15 जुलाई को और इसमें कटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर स्क्रीन शेयर करते नजर आ जाएंगे। अगली मूवी 15 जुलाई 2022 को रिलीज होगी, जिसमें रणवीर सिंह, पूजा हेगड़े और जैकलिन एक साथ नजर आएंगे। मूवी का नाम है सर्कस। वहीं 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन पर्दे पर आ जाएगी, जिसमें अहम भूमिका अक्षय कुमार निभा रहे होंगे। वहीं आदि पुरुष की रिलीजिंग डेट 11 अगस्त है, जिसके स्टार कास्ट में प्रभास, कृति सैनन, सैफ अली खान दिखेंगे। टाइगर 3 की बात करें तो ये 15 अगस्त को सिनेमाघरों में आ जाएगी, जिसके स्टार कास्ट में सलमान खान और कैटरीना कैफ दिखेंगे। वहीं 25 अगस्त 2022 को पर्दे पर आने वाली लाइगर फिल्म में विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे एक साथ दिखेंगे। ब्रह्मास्त्र की बात करें तो ये 9 सितंबर को पर्दे पर आ जाएगी, जिसमें रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन एक साथ होंगे। वहीं तेजस की बात कर ले तो इसकी रिलीजिंग डेट 5 अक्टूबर है, स्टार कास्ट में कंगना रनौत है। अगली मूवी है शहजादा, जो रिलीज होगी 4 नवंबर को, स्टार कास्ट में कृति सैनन, कार्तिक आर्यन एक साथ होंगे। अगली मूवी 25 नवंबर 2022 को रिलीज होगी, मूवी का नाम है भेड़िया और इसके स्टार कास्ट में वरुण धवन, कृति सैनन एक साथ दिखेंगे। वहीं 23 दिसंबर 2022 को गणपत सिनेमाघरों में आ जाएगी, इसमें कृति सैनन के साथ टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे। वहीं कोरोना के कहर के कारण 2021 में बॉलीवुड की कई फिल्में रिलीज नहीं हो पाई थी, लेकिन सूर्यवंशी के सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म मेकर्स के बीच एक उम्मीद की किरण जगी है। इस फिल्म के रिलीज के बाद ही कई फिल्मों की रिलीज डेट फाइनल हो गई है और इसी वजह से 2022 में कई फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं। आपको हमारी ये पूरी जानकारी कैसी लगी अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें एचसी न्यूज़। धन्यवाद।